हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम नैनीताल जाएंगे, तो आज वो दिन आ गया है, हम जो है नैनीताल जा रहे हैं। तो वीडियो में पूरे बने रहना क्योंकि मज़ा आने वाला है। तो अब हम निकल रहे हैं और मिलते हैं आपको वहीं पर। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई अभी निकल गए हम घर से, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं नैनीताल। तो यार आवाज़ हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, गला की भी गला ख़राब हो रखा है। घर पे शादी थी, आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हम शादी के लिए घर पे आए हुए थे, चाचा भरदे की शादी थी। ये सिंगल रोड है और मेरे गांव से पड़ता है नैनीताल 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर में लगभग ज़्यादातर तो लगभग सिग्नल वे ही रोड है वहाँ तक नैनीताल तक। आप देखोगे तो दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आप लोगों की वजह से जा रहे हैं। बस थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तबीयत ख़राब में भी बस तो आप समझ ही सकते हो कि वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी भी मेरी तबीयत इतनी वो नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के प्यार में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना। आप जैसे दिल्ली से आ रहे हैं तो रुद्रपुर होके भी आ सकते हैं, काशीपुर होके भी आ सकते हैं, बट ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि मुरादाबाद से टांडा और जी डढ़ियाल बाजपुर होते हुए जाता है, बट सिंगल वे है ये। तो शॉर्टकट है बट सिंगल वे है, तो यहाँ से जो है बंदा जल्दी पहुँच जाता है। बाकी रोड अच्छा है, गड्ढे वड्ढे नहीं है, एकदम अच्छा रोड है। तो ये बाजपुर होकर सीधा काला ढोंगी से आपको जो है नैनीताल पहुँचा देता है। और गाइस अभी हम आ गए हैं उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे। ये रहा यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर, हमारे पीछे जो रह गया यूपी रह गया, अब हम एंट्री कर रहे हैं उत्तराखंड में। तो गाइस अभी नैनीताल रह गया 63 किलोमीटर, जो कि हमें 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, हो सकता है 3 घंटे भी लग जाएं, क्योंकि पहाड़ी पे जो है ना, पहाड़ी पे गाड़ी जो आप ना तो तेज चला सकते हो, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। किलोमीटर तो बहुत कम है बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी हो गया है वन स्टार्ट, जंगल खतरनाक वाला, क्योंकि हम अभी बाजपुर से भी निकल रहे हैं और काला ढोंगी पहुंचने वाले हैं। और आपका नैनीताल रह गया 45 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर बाद तो हम जो है चढ़ाई शुरू कर देंगे, जो कि पहाड़ वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल जंगल ही शुरू हुआ है, तो ये जंगल वैसे डर वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जंगली जानवर रहते नहीं हैं, वरना वैसे ही रात में नाइट में अगर आओ ना बाइक पे 12-1 बजे तो थोड़ा सा डर लगता है, खुद को भी थोड़ा लगता है कि यार मान लीजिए कुछ हो या नहीं हो, फिर भी अंदर से ना एक डर सा बना रहता है यार कोई दिक्कत हो नहीं हो, क्योंकि बाइक का ना खतरा ही होता है। आप कार से आ रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कार से आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट बाइक पर आने के लिए थोड़ा डर लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा घना है जंगल। तो अभी फ़िलहाल इतना ही कि जंगल जो है स्टार्ट हो गया है और जंगल में मिले हमें बंदर राजा, जो मजे ले रहे हैं इधर। तो भाई अभी यहाँ से हो गया जंगल स्टार्ट, बाजपुर से निकल गए हम और काला ढोंगी पहुँचने वाले हैं। तो बीच में जो स्टार्ट है ना काला ढोंगी से पहले जो है जंगल शुरू हो जाते हैं। तो भाई अभी
आ गए हैं हम नैनीताल के मोड़ पर। हम हल्द्वानी नहीं जाएंगे क्योंकि हल्द्वानी अल्मोड़ा नैनीताल यहाँ से जो है ना कट ले लेंगे हम इधर को नैनीताल के लिए। तो अगर आप बाइक से आना चाहते हैं ना तो ये आपके लिए शॉर्टकट एरिया है, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे, ज़्यादा घूम भी नहीं है और आपका आपको हल्द्वानी नहीं जाना पड़ेगा, ट्रैफिक से बच जाएंगे आप। तो ये जो है ना यहाँ से जो है ज़्यादा जाते हैं, कुछ लोग हल्द्वानी जाते हैं उनका टाइम भी ख़राब होता है, फिर उस साइड से जो है पहाड़ भी ऊँचे ऊँचे हैं तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, घूम भी जाते हैं। और ये साइड जो है थोड़ी आसान है तो हम फिलहाल तो इसी साइड से जा रहे हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं और अगर आप भी आएंगे तो मैं तो कहूँगा कि आप इसी रोड से आएँ क्योंकि ये रोड जो है ना बेस्ट है, बाइक हो या फिर कार हो उसके लिए सबसे अच्छी रोड है ये। तो गाइस यहाँ से हो गई पहाड़ी स्टार्ट और अब जो है हम ये पहाड़ी स्टार्ट हो गई है और बाइक भी हमारी अभी से ही कहने लग गई है कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। तो अभी हमारे आगे तीन गाड़ियाँ चल रही हैं और ये हो गया है पहाड़ स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा तो मज़ा आने लगा है और मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो वीडियो में भाई एंड तक बने रहना, काफ़ी मज़ा आएगा। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जाना है। ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे जो घर है ना पहाड़ पे, ये भी एक गांव है, ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे घर हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और जहाँ नज़र मारेंगे आप पहाड़ी पहाड़ है, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, तो बहुत प्यारा लग रहा है। देख रहे हैं आप ये बहुत ज़्यादा ना लैंडस्लाइड हो रखी है, देखें ये देखो पहाड़ टूट टूट के गिर रखे हैं पूरे रोड पे ना, पहाड़ टूट टूट के गिर रखे हैं। तो अभी फ़िलहाल में अगर कोई आ रहा है ना तो भाई बहुत ध्यान से आना तो कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए देखो ये देख रहे हैं अभी पूरा रोड कट के गिर चुका है नीचे को, ऊपर से यहाँ से काफ़ी मिट्टी गिरी हुई है तो रोड भी बंद हो रखे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये पहाड़ जो है ना यहाँ से, ये लाल कलर के पहाड़ हैं बट बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, आपको दिख भी रहा होगा। ये है गांव, कितना प्यारा गांव लग रहा है यहाँ से आपको, ये देखिए ये पहाड़ के किनारे पे हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है। हम अभी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है और भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे कि हम नैनीताल आए और ग्लव्स नहीं लेकर आए तो हाथों तो पूरे ठंडे हो गए हैं, पूरे सुन्न हो गए हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है हाथों में। तो इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा, नैनीताल जाते ग्लव्स खरीदने पड़ेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है वरना हाथों तो काम करना बंद हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हाथ जो है ना चलना बंद हो गए, एकदम ठंडे हो गए, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो लग रही है ना यहाँ पे बर्फ जैसी। तो गाइस ये रहा यहाँ का झरना, बहुत शानदार लग रहा है, थोड़ा कम पानी है बट अच्छा लग रहा है, पानी गिर रहा है इधर, ये भी अंडरग्राउंड पानी निकल रहा है, पानी की टंकी नहीं है बट इसी झरने में से निकल रहा है पानी, बहुत अच्छा लग रहा है। इनको भी ठंड लग गई है, अब तक तो जैकेट नहीं पहना था बट अभी इन्होंने जैकेट पहन लिया है क्योंकि ठंड लग रही है यार, पहाड़ों में आ गए तो ठंड लगना मामूली बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और मुझे भी ठंड लग रही है, एक तो पहले से तबीयत ख़राब है बट मैं तो जैकेट बहुत मोटा पहन के आया हुआ हूँ बट मज़ा आ रहा है। आशिमा आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। आशिमा बोल रही है मज़ा भी आ रहा है बट ठंड भी लग रही है, तो यार मज़ा तो आएगा, बहुत प्यारी जगह है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये नैनीताल का फर्स्ट पॉइंट है जहाँ आप रुक के टी कॉफ़ी कुछ भी लंच ब्रेकफास्ट और यहाँ तक कि ये लोग यहाँ पे रूम भी मिलते हैं, रूम भी अवेलेबल कराते हैं आपका यहाँ पे, आप रात भी रुक सकते हैं, तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ से आप 25 किलोमीटर आगे नैनीताल रह गया है, तो हम तो यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें तो सीधा नैनीताल ही रुकना है, और चलते हैं अंदर कुछ खाते हैं और फिर चलेंगे आगे खाते हैं। तो गाइस अभी ले रखा है फर्स्ट ब्रेक, एक टी और आ रही है, आशिमा की आ गई है, मेरी आ रही है,
ये ब्लैक टी पियेंगे, मैं दूध वाली पीऊँगा, थोड़ा लौंग डाल के मैंने बोल दिया भैया वो थोड़ा लौंग वगैरह डाल देना, क्योंकि यार मेरा ना गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, थोड़ा लौंग वगैरह काली मिर्ची डली होगी तो नहीं करेगा, तो मैंने बोल तो दिया है। देखो कैसा होता है इसमें है काली मिर्च वगैरह है ना, हाँ तो शायद मेरे लिए भी ले आएंगे डाल के, आने वाली है मेरे लिए भी, खाते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो कुछ इस तरह का रात में ये दिखता है नैनीताल, और ये देखिए इतना खूबसूरत, ये ऊपर देख रहे हैं ना ये लाइटें जो जल रही हैं, ये पहाड़ पे घर है, ये पूरे में जो है पहाड़ पर घर है, और ये बहुत ही शानदार लगता है नाइट में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम चमक रहा है पूरा पहाड़, ये पूरा ऊंचा पहाड़ है, इस पे सारे पे घर बने हुए हैं। तो कुछ इसी तरह का रात में नैनीताल दिखता है। बाकी What?